आप अक्सर बस में ट्रेन में सफर करते हैं और उस सफर करने के दौरान मोबाइल जरूर साथ में ले जाते हैं, लेकिन जब मोबाइल ले जाते हैं तो मोबाइल का डिस्चार्ज होना भी लाजमी है। दोस्तों, जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है उस समय आप क्या करते हैं कि आप कहीं भी जाकर के मोबाइल को चार्ज करने लगते हैं, और अक्सर होता ऐसा है कि वहां पर किसी व्यक्ति का चार्जर लगा होता है या कोई डाटा केबल लगी होती है, उस डाटा केबल पे लगा के ही अपना फोन चार्ज करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाइए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अमर उजाला में निकली रिपोर्ट के आधार पे हम आपको आज बताने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त जानकारी जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, चार्जर डाटा से किस तरीके से आपके लाखों रुपए आपके अकाउंट से गायब हो सकते हैं, आपका सारा का सारा डाटा लीक हो सकता है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। मेरा नाम है प्रकाश वीर आर्य और आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स। दोस्तों, अक्सर हम मोबाइल लेकर जाते हैं और मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कहीं पर भी चार्ज करने लगते हैं। आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि एक लड़की होती है, उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और वो जा करके किसी अनजान जगह पे मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करती है। उसी दौरान वहां पर एक दूसरा खड़ा व्यक्ति कहता है, आप हमारे डाटा केबल का इस्तेमाल कर लीजिए। वो लड़की डाटा केबल का इस्तेमाल करती है और इसके बाद वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसके फोन पे मैसेज आते हैं और उसका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता है। दोस्तों, वो एक कहानी थी, केवल देखने में एक वीडियो था, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा होना शुरू हो गया है। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन में बस स्टेशनों पे खड़े होकर के वहां पे अपना चार्जर या डाटा केबल लगा करके खड़े हो जाते हैं। जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आता है जिसको जरूरत होती है कि वो मोबाइल को चार्ज करे, उस दौरान वो खड़ा व्यक्ति बोलता है कि सर, आप हमारे ही डाटा केबल से चार्ज कर लीजिए। और अक्सर हम लोग जल्दबाजी में हड़बड़ी में उसके ही डाटा केबल से चार्जिंग लगा देते हैं। और चार्जिंग लगाने के बाद आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो भी फोन नंबर है, आपके जो ईमेल है, जो भी आपके फोटोज हैं, साथ में आप अक्सर पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, आधार कार्ड, सारी की सारी चीजें हम लोग मोबाइल पर रखते हैं, वो सारा का सारा डाटा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम कंप्यूटर पे कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं। होता कैसे है, ये एक प्रक्रिया है जूस जैकिंग कहलाती है। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि ये प्रक्रिया जूस जैकिंग कहलाती है। अक्सर ये लोग क्या करते हैं, मल्टी फंक्शनल डाटा केबल लगा करके रखते हैं और उसमें वो चिप लगा करके रखते हैं और उस चिप के माध्यम से डाटा ट्रांसफर हो जाता है। कई बार ये लोग चार्जिंग पॉइंट में भी हैकिंग डिवाइस लगा देते हैं जिससे कि आपका मोबाइल लगाते ही उसका डाटा ट्रांसफर हो जाता है और आप बाद में आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके के फ्रॉड से अगर आप बचना चाहते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सार्वजनिक स्थानों में मोबाइल बाहर चार्ज करने का प्रयास ना करें, आप अपना मोबाइल चार्ज करके जाएं। अन्यथा इसके अलावा भी आप अपना एक पावर बैंक लेके जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कहीं भी चार्ज करने की तो आप अपने एडाप्टर का, अपने चार्जर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप इस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं इनसे आप बच सकते हैं। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।